हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर्मी। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GMCET ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17, जो कि आपकी जनरिक वर्कशीट नंबर 17 है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। जनरिक जो आपकी जनरल वर्कशीट की नोटबुक बनाई है उसमें आप कर सकते हैं, इंग्लिश की है। और क्लास 7 एंड 8 दोनों क्लास के स्टूडेंट्स की वर्कशीट है। डेट है 26 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो जो आपकी आज की वर्कशीट है वो आपकी हैबिट से रिलेटेड है। हेल्दी हैबिट आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट द मैचिंग नंबर फ्रॉम द वर्ड बैंक। तो आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है एंड वर्ड बैंक से, जो आपको वर्ड बैंक देखा है उसमें से नंबर सही से लिखना है। तो जैसे फर्स्ट पिक्चर में एक्सरसाइज हो रही है, तो फिफ्थ जो आपका वर्ड है वो डू एक्सरसाइज है। फिर जो सेकेंड पिक्चर है उसमें आप देखेंगे वो जो लड़की है वो हाथ धो रही है, तो इसमें आपका सेकंड नंबर आ जाएगा, वॉश हैंड्स। फिर ये जो आप थर्ड पिक्चर देख रहे हैं उसमें हेल्दी फूड्स खा रहा है, तो ये आपकी फोर्थ पिक्चर हो जाएगी। इसमें ये जो थर्ड पिक्चर है, फोर्थ पिक्चर है, ये सो रहा है अच्छे से, तो इसका स्लीप वेल हो जाएगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसमें ये रस्सा कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, प्लेइंग एक्सरसाइज। एंड जो लास्ट पिक्चर है, सिक्स नंबर की पिक्चर, उसमें ये आपका सिक्स नंबर पे आ जाएगा। इसमें पानी पी रहे हैं, ड्रिंक वाटर, तो मैं यहाँ पे नंबर रिपीट में लिख दे रही हूँ। ये आपका टू हो जाएगा, ये आपका फोर हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा एंड ये आपका थर्ड हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा। पर आप अपनी नोटबुक में क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्ड बैंक लिख देंगे और ये आपका ये पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है बी, प्रिपेयर अ हेल्दी मील फॉर योर सेल्फ बाय सेलेक्टिंग एनी फोर आइटम फ्रॉम द गिवन बॉक्स। आपको अपने लिए हेल्दी मील बनाना है, यानी स्वादिष्ट, आपको एकदम स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन बनाना है। तो आप इनमें से क्या क्या चुनेंगे, यहाँ पे आपको चॉइस दे रखे हैं। हेल्दी मील देखना है, पिज़्ज़ा हेल्दी नहीं है हमारी सेहत के लिए, नूडल्स हेल्दी नहीं है, चपाती हेल्दी है, पल्सेस यानी दालें हेल्दी हैं, मिल्क हेल्दी है, चिप्स हेल्दी नहीं है, बर्गर हेल्दी नहीं है, फ्रेंच फ्राइज भी हेल्दी नहीं है, कर्ड हेल्दी है, कुक्ड वेजिटेबल हेल्दी है। तो यहाँ पे पांच हो जाएंगे, तो आप फर्स्ट में चपाती लिख सकते हैं, चपाती यानी रोटी लिख सकते हैं, पल्सेस लिख सकते हैं सेकंड में, दाल हो जाएंगी, फिर आप लिख सकते हैं दही लिख सकते हैं, कर्ड लिख सकते हैं और कुक्ड वेजिटेबल्स लिख सकते हैं। तो ये आपकी जो बी टास्क था वो हमने कम्प्लीट कर लिया। आप ये चार नाम लिख लेंगे, कर लेंगे अच्छे से, इजी से। फिर जो आपको दे रखा है सी टास्क, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है उनमें आपको चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, बहुत इजी है। रिया लाइक्स टू डैश हर फेस एवरी मॉर्निंग, तो रिया को क्या पसंद है, अपना मुँह क्या पसंद है, वॉश यानी धोना, तो यहाँ पर आपका वॉश आ जाएगा, ये वाला वॉश। टीना लाइक्स टू डैश फुटबॉल विद हर फ्रेंड्स, तो यानी टीना को क्या पसंद है, खेलना पसंद है किसके साथ, फुटबॉल, किसके साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो ये प्ले आ जाएगा। फिर है राम स्लीप डैश एट नाइट, यानी जो राम है वो जल्दी सो जाता है रात में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अर्ली, तो यहाँ पे आप अर्ली लिख लेंगे। राघव लाइक्स टू ईट फ्रूट्स, यानी राघव को फल खाना पसंद है, यहाँ पे आप फ्रूट्स लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। इस वीडियो को जल्दी से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमारे लिए भी एक हेल्प हो जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।